जय श्री राम, जय बाबा कृष्णधाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर के ऊपर एक बायोपिक बन रही है, एक मूवी बन रही है, जिस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर हैं विनोद तिवारी जी। जी हाँ, विनोद तिवारी जी कई सारे मूवीज को लॉन्च कर चुके हैं अभी तक में, और उन्होंने कहा था कि फरवरी से मार्च के बीच में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के ऊपर जो बायोपिक मैं बना रहा हूँ उसे लॉन्च कर दूंगा। लेकिन आप सभी का सवाल होगा कि अभी तक वो बायोपिक लॉन्च क्यों नहीं हुई, क्या कारण हो गया, क्या बातें हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं लॉन्च हुआ अभी तक वो मूवी। दरअसल डायरेक्टर विनोद तिवारी से जब इस बात पर पूछा गया कि आपने कहा था कि फरवरी मार्च के बीच में आप लॉन्च करेंगे बाबा बागेश्वर के ऊपर जो बायोपिक बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो उसके बारे में डायरेक्टर विनोद तिवारी बताते हैं कि दरअसल मैंने कहा था कि फरवरी से मार्च के बीच में मैं काम शुरू करूंगा। फरवरी से मार्च के बीच में पिक्चर नहीं लॉन्च करने की बात की थी मैंने, वो थोड़ा सा लोगों में भ्रम फैल गया। दरअसल मैं कहा था कि फरवरी से मार्च के बीच में इस बायोपिक पे मैं काम करूंगा, और इस बायोपिक का काम स्टार्ट होने वाला ही था, इस पे काम शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ही हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से जब डायरेक्टर विनोद तिवारी ने पूछा कि आखिर आप इस बायोपिक में थोड़ी बहुत सीन दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा था देखिए मुझे मूवी के लिए टाइम और इंटरेस्ट दोनों नहीं है, इसलिए मैं मूवी में काम नहीं कर सकता हूँ। तब डायरेक्टर विनोद तिवारी ने कहा था कि ठीक है, मैं उसे दूर दराज से शूट करके थोड़ा बहुत सीन दिखा दूंगा उसमें मूवी में, और आपके ऊपर वो मूवी बनाऊंगा जिससे लोगों को संदेश मिलेगा कि एक छोटे से कस्बे से, एक गरीबी अवस्था से निकल करके एक बालक कहां से कहां तक पहुंच सकता है, और सनातन धर्म में कितनी महानता है, कितनी शक्तियां हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाने वाले थे, लोगों को प्रेरणा देने वाले थे उस मूवी के थ्रू। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने बाद में डायरेक्टर विनोद तिवारी से बात किया कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कुछ सीन होनी चाहिए तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं मार्च के बाद ही तैयार होऊंगा उसके लिए, क्योंकि मार्च तक मुझे कन्या विवाह महोत्सव, बहुत सारे काम करने हैं। तो डायरेक्टर विनोद तिवारी को बाबा बागेश्वर ने ये आश्वासन दिया है कि मैं थोड़ा बहुत सीन उसमें दूंगा, और इसलिए मुझे मार्च के बाद ही टाइम मिलेगा। तो डायरेक्टर विनोद तिवारी अब गुरुदेव महाराज को ले करके कुछ सीन उसमें शूट करवाएंगे, और उसके लिए बाकायदा सारी चीज़ की तैयारी हो चुकी है। अब डायरेक्टर विनोद तिवारी मार्च के बाद से उस पर काम करेंगे, और संभवतः दिसंबर 2024 या फिर जनवरी तक के बीच में ये मूवी लॉन्च हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की, हर हर महादेव।